नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप भी भगवान की दया से अच्छे ही होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है विक्टोरिया वर्सेस टोरंटो। ये मैं वीडियो काफी टाइम से सोच कर ही आई थी विक्टोरिया से कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा टाइम रहने के बाद मैं बनाऊंगी। और मैं ये ज्यादा टाइम इसलिए ली सो दैट कि मैं थोड़ा डिफरेंसेस यहाँ पे मैं खुद फील करूँ कि यहाँ पे क्या क्या वहाँ से अच्छा है या बुरा है, वो मैं एक बार खुद रहने के बाद देख लूँ, उसके बाद बनाऊँ इस वीडियो को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि मैं जो फील की हूँ वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड ये वीडियो आप लोग के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वेदर। तो मैं पहले बताती हूँ कि विक्टोरिया का वेदर कैसा होता है। तो विक्टोरिया में समर जो है वो जून में स्टार्ट होता है, मोस्टली सितंबर एंड तक रहता है, अक्टूबर से थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो समर में गर्मी तो होती है ऑब्वियसली, बट बियरेबल गर्मी होती है। अच्छा लगता है ऑब्वियसली, सबको समर ही का इंतजार रहता है कनाडा में, तो अच्छा रहता है। और ठंड के टाइम पे वहाँ पे ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्नो बहुत ज़्यादा नहीं है। दिसंबर या जनवरी में थोड़ा एक या दो दिन स्नो होता है, बट बारिश बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर 6-7-5 इस तरह से रहता है। दिसंबर में बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तब 1 होता है, और -2-3 या -4-5 तक जाता है वहाँ पे टेम्परेचर। एंड अब मैं टोरंटो की बात करती हूँ। टोरंटो में वेदर भी वैसे मैंने सुना था कि बहुत ही ठंड होती है यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे समर में काफी अच्छा वेदर होता है, बहुत ही अच्छा वेदर होता है। यहाँ पे भी सितंबर एंड तक ठंड होती है, सॉरी सितंबर एंड तक गर्म होता है, एंड अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा ठंड स्टार्ट होता है, बट बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है। अक्टूबर थोड़ा रहता है, एंड एंड होते होते थोड़ा ठंड थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट फिर भी वो सही रहता है। मतलब इतना ज्यादा नहीं है कि आपको बाहर आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड समर यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मई में स्टार्ट होता है। एंड अब मैं विंटर की बात करती हूँ। यहाँ पे स्नो दिसंबर या एंड एंड होते तक यहाँ भी ऑब्वियसली होने लगेगा, मुझे जहाँ तक पता है। वैसे तो मैंने नवंबर से ही सुना था, बट अभी तक नवंबर तक ऐसा कुछ स्नो नहीं हुआ है। दिसंबर भी ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक हो रहा है, तो अभी तक ऐसा स्नो नहीं हुआ है। टेम्परेचर -3-4 ऐसे रहता है। ऑब्वियसली 2-3 महीने बहुत ज्यादा स्नो होगा जब, अभी तक तो नहीं हुआ है, बट मे बी दिसंबर एंड एंड होते होगा, या दिसंबर एंड या जनवरी और फरवरी, अगर 3 महीने भी स्नो बहुत ज्यादा होती है, फिर भी आप 3 महीने ऐसा है कि आप रह सकते हो। अक्टूबर नवंबर तक तो आप निकल ही रहते हैं, दिसंबर में 2-3 महीना बहुत ज्यादा स्नो भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा साल ही ऐसा रहता है, 2-3 महीना आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए यहाँ का भी वेदर बुरा नहीं है, मुझे यहाँ का वेदर अच्छा लगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका आता है ग्रोसरी एंड रेंट, ये जो है सबसे ज़्यादा इसमें जाता है, तो उसके बारे में ही मैं बात करूंगी। पहले मैं बात करती हूँ विक्टोरिया का। तो विक्टोरिया जो है वहाँ पे भी रेंट कोविड के बाद से काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, एंड सबको पता है कि कनाडा में जो 5 सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटीज़ जो हैं वो हैं विक्टोरिया, वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक सिटी। तो इन 5ों ही जगह में ऑलमोस्ट बराबर है, बट मैं सब जगह नहीं रही हूँ। विक्टोरिया में आजकल मैं देख रही हूँ कि रेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डाउनटाउन में अगर आप 1 BHK फ्लैट लेते हो तो आपको 2000 में मिलेगा, और वो 2100 भी हो सकता है, बट 2000 से नीचे मुझे नहीं लगता कि आपको डाउनटाउन में अच्छे जगह पे विक्टोरिया में मिलेगा। ग्रोसरी पहले रेंट की बात मैं टोरंटो में करती हूँ। रेंट जो है ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा टोरंटो में ज़्यादा है, थोड़ा सा डाउनटाउन में। अगर आप 1 BHK फ्लैट ले रहे हो तो आपको 2300-2400 में मिलेगा, और घर भी काफ़ी छोटा होता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 2200 में भी मिल सकता है। ग्रोसरी अगर मैं कंपेयर करूं दोनों जगह की, तो विक्टोरिया में मुझे थोड़ा सा महंगा लगा टोरंटो से,
तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मैं खुद ही ग्रोसरी लाने जाती हूँ, हर चीज देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी सी सस्ती मिल रही थी, बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स भी हैं आपको इंडियन ग्रोसरी, जहाँ पे आपको काफी सस्ता मिल रहा था। सस्ता मतलब सस्ता नहीं, लेकिन विक्टोरिया से अगर कंपेयर किया जाए तो कम है ग्रोसरी में यहाँ पे टोरंटो में खर्च। तीसरा मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो विक्टोरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बस मिलेगा, एंड टोरंटो में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो बस एंड ट्रेन मिलेंगी। विक्टोरिया में वीकडेज में बस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 to 15 मिनट्स में होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एंड वहाँ पे जब वीकेंड होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और कम हो जाती है, हाफ एन आवर समटाइम्स लग जाता है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इवन समटाइम्स एक घंटा भी हो जाता है। तो कनेक्टिविटी इसलिए बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, आपको टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वीकडेज में तो फिर भी आपको मिल जाता है टाइम से, बट वीकेंड में तो आपको अगर अपना खुद का गाड़ी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं बात करती हूँ टोरंटो की। तो टोरंटो में जैसे मैंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो, ट्रेन एंड बस तीनों हैं, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है मेट्रो की। अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम नहीं लगता है। बस की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है वीकडेज और वीकेंड दोनों में। बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तब भी आप आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो विक्टोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है कंपेयर टू टोरंटो, वहां पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब आपको नहीं मिलेगी, वहां पे मिलती है, बट गवर्नमेंट जॉब वहां पे ज्यादा है, क्योंकि विक्टोरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल है, तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा मिलती है, एंड लोग भी वहां पे जैसे छोड़कर जाते रहते हैं, क्योंकि वो छोटी सिटी है, बहुत सारी चीजें वहां पे लिमिटेड है, तो लोग वहां पे रहना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग करते भी हैं बट बहुत लोग नहीं भी करते हैं, तो वहां पे छोड़ के जाते भी रहते, तो वहां पे जॉब वैकेंसीज आती रहती है, बट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, कंपनीज हैं बट हर कंपनी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। एंड टोरंटो में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है, एंड कनाडा की मतलब सबसे बड़ी सिटी बोल लो टोरंटो है, तो इसीलिए यहाँ पे जॉब सारी कंपनीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जितनी भी प्राइवेट हैं, पब्लिक सेक्टर भी है बट प्राइवेट सेक्टर आपको बहुत सारी मिलेंगी यहाँ पे जॉब। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे ख्याल से टोरंटो बेटर है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पॉपुलेशन। तो विक्टोरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे बहुत शांति है, एंड इंडियन लोग भी वहाँ पे कम आते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी भी बहुत छोटी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शांति पसंद है, क्राउड नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही आपको कोई भी, आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको दिखाई दे, तो आपके लिए विक्टोरिया बहुत अच्छा है। टोरंटो में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कंट्री से जो लोग हैं वो टोरंटो में ही मोस्टली आते हैं, तो आपको हर कंट्री के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत डाइवर्स है यहाँ पे, जैसे आपको इंडियन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, पाकिस्तानी भी बहुत सारे मिल जाएंगे, चाइनीज भी मिल जाएंगे, तो हर कंट्री के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल पसंद है, तो आपके लिए टोरंटो अच्छा है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सिनेमा हॉल। तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि ये कौन सा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, बट मैं सिनेमा हॉल के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं पहले मैं विक्टोरिया के बारे में बताती हूँ। विक्टोरिया में जब हम लोग थे तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसा इंडियन मूवी होती थी वो लगती नहीं थी, और अगर बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे किसी मूवी के तो नेक्स्ट वीक में वो जाके लगता था। हर मूवी ऐसा नहीं है, कोई कोई मूवी लग भी जाती थी वहाँ पे, और एक ही सिनेमा हॉल था वहाँ पे ही लगता था वो इंडियन मूवी जो भी होती थी। एंड बहुत सारे ऐसे जैसे कम फेमस हुआ मूवी, कम बजट की मूवी है और आपको मन कर रहा है देखने का, तो आपको OTT के लिए ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लगता ही नहीं था वहाँ पे, या फिर आपको वैनकूवर जाकर देखना पड़ेगा। और टोरंटो में मैं बात करूँगी अगर सिनेमा हॉल की, तो यहाँ पे हर जगह जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे सिनेमा हॉल है जहाँ पे आपको इंडियन मूवी लगती है। सिनेमा हॉल तो हर जगह है बट वहाँ पे इंडियन मूवी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे लगेगी, इतना बड़ा है, तो हर जगह आसपास में आपको इंडियन मूवीज लग जाएंगी, और जितनी भी इंडियन मूवीज आती है वो चाहे वो छोटे बजट की हो या बड़े बजट की हो, सारी मूवीज यहाँ पे लगती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि आप अपने हिसाब से कि आपको ये मूवी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको ओटीटी पे आएगा तभी आप देखोगे, आप आराम से जाके देख सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा मूवी देखना पसंद है तो। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है नेचर। तो विक्टोरिया में नेचर बहुत अच्छा था, जैसे ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पे, आपको माउंटेन्स थे एंड बीचेस थे, तो वो सारा जो ब्यूटी है विक्टोरिया का वो आप मतलब कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते। टोरंटो से क्या कंपेयर करोगे, कहीं से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ही सुंदर था वहाँ पे, वो चीज़ मुझे विक्टोरिया की, अभी तक मैं बहुत सिटीज़ में रही हूँ बट मुझे वो कहीं पे भी नहीं दिखा जो विक्टोरिया का है, वो एक अलग ही ब्यूटी है वहाँ की। एंड टोरंटो भी है वो, बट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे नाइट लाइफ ज़्यादा है, क्राउड जैसे डाउनटाउन में जाओगे तो पार्टीज वगैरह इस टाइप का है। ग्रीनरी यहाँ पे भी है, बीचेस यहाँ पे भी है, बट कोई कंपेयर नहीं है विक्टोरिया और टोरंटो का कि ग्रीनरी कैसा है या माउंटेन में मतलब कौन ज्यादा सुंदर है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो विक्टोरिया ही अच्छा है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इंडियन फूड। तो जैसे इंडियन फूड विक्टोरिया में भी आपको मिलता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, आपको इंडियन जो ग्रोसरी है वो आपको मिल जाएंगी वॉलमार्ट में या इंडियन स्टोर में मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे जो विक्टोरिया में जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन जो टेस्ट आपको, जैसे वहाँ पे तीखा अगर आपको बहुत पसंद तो बहुत कस्टमाइज रहता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में, आपको एकदम प्योर इंडियन फूड नहीं मिलता है वहाँ पे। एंड एक और चीज़ की आपको जो ग्रोसरी जो है बहुत, जैसे आपको जो हर इंडियन का जो साग, बहुत सारी जो साग होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, या वेजिटेबल कुछ होते हैं इंडियंस, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं विक्टोरिया में। बट टोरंटो में मुझे ये अच्छा लगा, जैसे मैं यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक मिलता है जो इंडियन में, जो इंडिया इंडियन फूड में जो टेस्ट होता है ना वो एकदम आपको यहाँ पे मिलता है। मैंने इंडिया मतलब डोसा भी यहाँ पे खाया है, बिरयानी भी खाई है, एंड जैसे महाराष्ट्र का भी फूड खाया है, तो बहुत सारा खाया है मैंने यहाँ पे बाहर जाके, और मुझे ना एकदम वहाँ जैसा ही टेस्ट आता है, इंडिया जैसा ही टेस्ट आता है, तीखा भी वैसा, अगर आप जैसे तीखा बोलोगे तो तीखा भी एकदम वैसा ही आएगा, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया से बाहर खा रहे हो कोई चीज। एंड इंडियन जो जैसे साग अलग अलग तरह के होते हैं, या फिर आपको बहुत सारा सब्जी जो होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने देखा कि मिल जाती है, ऐसा कोई भी ऐसा इंडियन चीज नहीं होता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है आपको, तो वो उस मामले में मुझे काफी यहाँ पे पसंद आया कि मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि मुझे ऐसा फील आता है कि मैं इंडिया जाके ये खाऊंगी, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आता। बट मैं जब विक्टोरिया में थी तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये नहीं है मैं इंडिया जाऊंगी तो खाऊंगी, ये नहीं है तो इंडिया जाऊंगी तो खाऊंगी। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सर्विसेज। तो पहले मैं विक्टोरिया की बात करती हूँ। विक्टोरिया में सर्विसेज बहुत ही टाइम लगता है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर आपको प्लम्बर बुलाना है तो आपको एक वीक वेट करना पड़ेगा या डेढ़ वीक वेट करना पड़ेगा, घर में ही आपको सामान ला रहे हो आप उसको फिट करना है तो उसके लिए भी अगर आप बुलाओगे तो उसके लिए भी आपको एक वीक दो वीक वेट करना पड़ेगा, कई बार 3-4 डेज भी होता है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। इवन ड्राइविंग भी आपको सीखनी है तो उसके लिए भी आपको वेटिंग पीरियड मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आप सर्विसेज, जैसे आप सुबह में बुक कर रहे हो तो आपको दोपहर में आ जाएगा या शाम तक आ जाएगा, एंड कॉस्टली भी नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, हाफ प्राइस है वहां से, हाफ या 1/3 प्राइस है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको यही एक है जहाँ पे आप बनवा सकते हो, अगर आप वहां पे नहीं अगर आपको मिल रही है वेटिंग है तो आप दूसरे जगह या तीसरे जगह या चौथे जगह देख सकते हो, तो ये एक अच्छा मुझे चीज लगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इंडियन फेस्टिवल। तो विक्टोरिया की पहले मैं बात करती हूँ। विक्टोरिया में फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर किए जाते हैं, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, कम है लेकिन है वहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी, तो वहाँ पे भी जैसे दुर्गा पूजा में डांडिया है या फिर दिवाली है, तो सब कुछ मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे अच्छा लगता है। टोरंटो में फेस्टिवल जो है वो मैं बोलूँगी कि एकदम इंडिया की तरफ सेलिब्रेट किया जाता है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने अभी दुर्गा पूजा में मैं गई थी तो यहाँ पे पंडाल भी था, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में ही जाके सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हो,
अलग अलग जगह पे आपको पंडाल मिलेगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो जैसे आप इंडिया में घूमने जाते थे। छठ पूजा जो था वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ टोरंटो में। यहाँ पे जब मैं छठ में गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि बिहारी कम्युनिटी भी यहाँ पे जो बहुत बड़ी है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि आपको जैसे कोई फेस्टिवल इंडिया की तरह सेलिब्रेट नहीं हो रहा है और आपको इंडिया जाने का मन कर रहा है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, एंड आप मिस कर रहे हो कि वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे फेस्टिवल बहुत अच्छा धूमधाम से, दशहरा भी, दिवाली भी, छठ पूजा भी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। अब मेरा लास्ट टॉपिक है एयरपोर्ट। पहले मैं विक्टोरिया के बारे में बताती हूँ। विक्टोरिया में एयरपोर्ट है, वहाँ से आपको अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी है तो आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी, आपको पहले वैंकूवर जाना पड़ेगा। तो या तो आप फेरी से पहले वैंकूवर जाओ या फिर आपको कोई दूसरी सिटी जानी होगी डायरेक्ट। आपको जैसे इंडिया जाना है तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं जा सकते, पहले आपको वैंकूवर जाना होगा, फिर वहां से आपको मिलेगी दूसरी फ्लाइट। इवन आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात छोड़ दो, इवन समटाइम्स तो ऐसा होता है कि अगर आपको कनाडा के ही दूसरे सिटी में जैसे टोरंटो आपको आना है तो समटाइम्स आपको टोरंटो की भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, आपको दूसरी जगह पहले जाना पड़ता है, कैलगरी या फिर वैनकूवर, और फिर वहां से आपको टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। तो इससे टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खलती थी वहां पे, क्योंकि मैं इंडिया काफी फ्रिक्वेंटली जाते रहती थी। बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ये लगा क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर मुझे इंडिया जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है, आप आराम से जा सकते हो। इवन यहाँ से आपको नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। इवन आपको बीच में ब्रेक जर्नी भी होगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको घर से भी बहुत आसानी से आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बस से अगर आपको जाना है या मेट्रो से जाना तो आराम से 1 घंटा में आप पहुंच जाओगे कहीं कितना भी दूर आप रहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने बताया है दोनों में डिफरेंसेस, आप उसको सुनने के बाद आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, कहाँ की चीजें ज्यादा अच्छी है, कहाँ पे नहीं अच्छी है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सिटी आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर मेरी बात करोगे तो मुझे ऑनेस्टली पर्सनली मुझे टोरंटो ज्यादा बेटर लगा है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बेटर लगा है तो आपको भी बेटर लगेगा। आपका अपना अलग चॉइसेस है, अपनी अलग प्रेफरेंसेस है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।